तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद हो अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं एम एस सजा, आप देख रहे हैं एम एस सजा ब्लॉग। आप लोगों को एक और ब्लॉग के साथ स्वागत करता हूं। और फाइनली मैं कल ही पहुंच चुका था घर। कल 2 तारीख था, आज 3 तारीख है। तो आज हम आप ब्लॉग में बने रहिए। आज दिखाने वाला हूँ कि अपने गाँव में क्या क्या करता हूँ, क्या चीज़ है क्या नहीं है। आज उसी दिन जुम्मा का दिन, अभी नहा धो के मैं रेडी हो चुका हूँ। तो अभी जा रहे हैं हम बरकट्ठा, जो हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूरी पे है। ओके गाइस, फाइनली अभी हम बरकट्ठा आया हूँ कुछ सामान खरीदने के लिए। देखिए बरकट्ठा का कुछ इस तरह नज़ारा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बरकट्ठा बाजार का रोड है और उसका जो मेन रोड है वो आगे है। ये बरकट्ठा बाजार जहाँ लगता है वो है। अभी फ़िलहाल कुछ काम से आए हैं, तो चलिए फिर आगे मिलते हैं दोस्तों। ये देखिए फिलहाल आप लोग को बरकट्ठा दिखा दिए हैं। गाइस अभी 12:40 हो रहा है, अभी जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, जुम्मे का नमाज। और बहुत ज़्यादा गर्मी है गाँव में, यहाँ 40 डिग्री से ऊपर तापमान है। ऐसे देखिए कोई बाहर भी नहीं है, पूरे इधर दिखा देता हूँ। देखिए हमारे गांव का गांव है, अरे गली में कोई दिख नहीं है, सब सोए हुए हैं। और मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। अब चलिए नमाज पढ़ लेते हैं। यहाँ 12:30 अजान हो जाती है, अहमदाबाद में तो 1:30 बजे अजान होती है और 1:45 यानी 2 बजे वहाँ जमात पर बजाय 1 बजे जमात हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं नमाज पढ़ के आप लोग से, फिर चलिए यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 1/2 किलोमीटर दूरी पर है मेरी मस्जिद। मादा मस्जिद वहाँ है। अरे लोग नमाज यहाँ पढ़ने के लिए किसके लिए रुका? अरे देखिए मस्जिद मस्जिद वहाँ हमारा अभी नई नई बन रही है और बच्चे लोग यहाँ देखिए मुझे देख के आ गए, इतना फैन फॉलोइंग बना लिया अब। देखिए सब लोग जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं मस्जिद पढ़ने के लिए नमाज, जुम्मे की नमाज। और ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये रोड नेशनल हाईवे 2 है। आप लोग और वीडियो में मुझे देखे होंगे, अभी सब ये मस्जिद नई नई बन रही है, अभी जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए इसी के लिए। 2-4 लोग देखिए मेरे सामने भी है और अभी बहुत गर्मी भी है गाइस। तो चलिए मस्जिद में जाके फिर नमाज पढ़ के मिलते हैं आप लोग। अभी नमाज पढ़ के आ चुके हैं हम, 1:30 बजे जमात थी और एक गाँव में एक जनाजा हो गए थे, तो मट्टी उट्टी दे के अभी आया हूँ। अभी 3 बजे गया, इतनी कड़क की धूप है जो कुछ कहना नहीं, बहुत ज़्यादा धूप है। और अभी अब जाऊँगा इधर उधर बाज़ार लगती है, जुम्मा का बाज़ार उधर देखते। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, बहुत मज़ा आने वाले, क्योंकि क्या बोल रहे थे लोग बोल गए। अभी 5 बज गए शाम के और अभी जा रहा हूँ जुम्मे बाज़ार सब्ज़ी लाने के लिए। अभी गाड़ी उड़ी निकाल लिया, कपड़ा भी चेंज कर लिया, जो पहना था नमाज पढ़ने के लिए वो दूसरी कपड़ा भी चेंज कर लिया और चलते हैं बाजार। अब सब्जी लाने के लिए बाजार का मार्केट दिखाता हूँ। देखिएगा आज फाइनली बाजार आ चुके हैं और बाजार में भीड़ ही नहीं है आज। ये रोड के वह सर जाएंगे और खरीदेंगे सामान, क्या क्या लेना है। अरे देखिए चेहरा ही नहीं दिखा रहा, तो चले गाड़ी आ रही है। Thank you.
गाइस देखिए ये मार्केट में धीरे धीरे भीड़ हो रही है। अरे हमारा कैमरामैन बना आज साहिल भाई, इधर देख साहिल पूरा काला दिख जाने ना। मेरा कैमरामैन बना है साहिल भाई। अरे हमारा देखिए यहाँ आमू मिल रहे हैं पूरा, यहाँ क्या बोलते हैं समोसा बिक रहा है, इधर जलेबी उलेबी सब सुना रहे हैं। ये देखिए मार्केट का बाजार कुछ इस तरह, इसका 50 वर्ष से ये जलेबी समोसा वगैरह बेचते आ रहे हैं। चलाने नहीं आता है, चाबी पकड़ लिया है, अब चला के क्या पता ठोक ना दे। चल चलो चल। तो जुड़े रहे आप लोग एमएस रजा ब्लॉग में। अभी बाज़ार से आ चुके हैं सर, इतना सामान लेना था, सब्जी वब्जी सब ले लिए जैसे कि आप लोग देख चुके हैं। और अभी जा रहे हैं काम से, बरकट्ठा जा रहे हैं, कोई काम है और बने रहिए ब्लॉग में। अभी दिखाने वाला हूँ बरकट्ठा में क्या स्थिति है, वहाँ कैसी बाज़ार लगी, वहाँ भी जाके दिखाऊँगा। ले ले जा फटाफट जल लगे कोसे। आज ये अंडर रोल है, मैं अहमदाबाद में काम करता हूँ लेकिन अहमदाबाद में ये अंडर रोल कहीं नहीं मिलता है। ये देखिए इसके अंदर सब चाउमीन सॉस डाला जाता है। देखिए काफ़ी शानदार, हमारे भाई लोग खा रहे हैं यहाँ। नेक्स्ट ब्लॉग में और आप लोग को ये वीडियो जरूर बताना, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, आप लोग को अच्छी बेहतरीन और बेहतरीन से ब्लॉग दिखाऊंगा। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए ना।